यूपी विधानसभा में आज एकदम अलग नजारा देखने को मिला, जब भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग एक अलग अंदाज में विधानसभा पहुंचे। जाहिद बेग साइकिल से यूपी विधानसभा पहुंचे, उनके साथ ना तो कोई सिक्योरिटी थी और ना ही सुरक्षा में तैनात कोई गनर। यही नहीं, उन्होंने हल्के रंग की शेरवानी पहनी थी जिस पर लाल गुलाब लगाया था। सपा विधायक का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। पत्रकारों ने जब उनके इस स्टाइल पर सवाल किया तो उन्होंने इसका जवाब बेहद ही दिलचस्प दिया। देखिए, शेरवानी इसलिए पहन के आए हैं कि देश को आजाद करने में शेरवानी, धोती, कुर्ता पैजामा सारे लोग मिलकर देश की आज़ादी कराई है, कुर्बानी दी है। देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहन के आते थे और विधानसभा के अंदर आजम खान साहब भी शेरवानी पहन के आते थे। ये अलग बात है, प्रदेश मुखिया योगी जी को शेरवानी पसंद नहीं आती। और हम ये बताने आए हैं कि देश सबका है, सारे धर्मों का है, सारे पोशाकों का है। गुलाब लगाए हैं, गुलाब लेके आए बाबा के लिए। आप नफरत की राजनीति करते हो, मैं प्रयास करूंगा। सुरक्षा वाले हैं, हो सकता है ना जाएं दे। अंदर देने कोशिश, जहां मौका मिलेगा यही दे सकते हैं। अच्छा, और अलग, और हम मोहब्बत की राजनीति करने आए हैं और नफरत की राजनीति को खत्म करने में आया हूँ। मैं बाबा से दरख्वास्त करूंगा। हालांकि सिर्फ जाहिद बेग ही नहीं, सपा के कई नेता शेरवानी में पहुंचे थे। खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने आज लाल रंग की टोपी और काली शेरवानी पहनी हुई थी। माना जा रहा है कि सपा ने योगी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ आजम खान के समर्थन में ये कदम उठाया है। आजम खान भी कई बार काले रंग की शेरवानी पहनते थे। हालांकि कई जानकार इसे मुस्लिम मतदाताओं से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि शेरवानी के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सपा द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।